नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे, यहाँ पे विप्रो के बारे में बात करेंगे, जो स्टॉक अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि काफी यहाँ पे यहाँ से उठ सकता है या फिर यहाँ से भाग सकता है। विप्रो यहाँ पे सिंबॉलिक नेम देखते हैं, इलेक्शन डेट देख सकते हैं, 8 नवम्बर 1995 को होती है। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका निफ्टी सिम्बॉलिक पी देख सकते हैं, सेक्टर का पी देख सकते हैं। निफ्टी आईटी में आता है, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे 421 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए, 118 का लो बनाया था उसने और हाई बनाया था 124 का। इसका एक साल का यहाँ 391 है, 15 जुलाई 2022 को बनाया था और हाई अक्टूबर 21 700 पे यहाँ पे 40 के करीब बनाया था उसने। तो ये तो ओवरऑल जानकारी हो गई है। तो कुछ दिनों का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक दिन में देखिए, एक वीक में देखिए, यहाँ पे एक मंथ में माइनस में है, एक इयर्स में माइनस में है और 5 इयर्स में 90 के करीब आपको रिटर्न देता है। और मैक्सिमम देखिए तो कह सकते हैं कि उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया से आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप अलग अलग दिखाया। चलिए कुछ प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे देखिए, 2018 का उसका नेट प्रॉफिट है और 2022 का नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे देखिए तो कंपनी हर साल कुछ ना कुछ इसमें बढ़ोतरी होती रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं क्या? तो इस हिसाब से कंपनी तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट के मामले में अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका प्रॉफिट में कुछ कुछ कम नहीं है पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए, 5,000 से 300 से लेके अभी यहाँ पे देख सकते हैं, 8,500, 8,000, यहाँ पे 9,000, 9,700, अब 10,000 और अब 12,000। इस तरीके से परफॉर्मेंस किया है उसने, करोड़ में है। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये चार्ट हो गया, तो मैंने कुछ यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है। ये लाइन आपको थोड़ी देर बाद में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये मैटर क्या है। तो हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो ये थोड़ी सी लाइन के बारे में आपको बताना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरी हो सकता है इस हिसाब से। क्योंकि अभी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ एंट्री पॉइंट सेलेक्ट किए हैं कि हम एंट्री कहाँ लें। यहाँ पे जैसे यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे लो पे लो ली, यहाँ पे हाई पे हमने एग्जिट ले लिया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लो पे एंट्री ले ली हमने, हाई पे यहाँ पे एग्जिट ले लिया। इस तरीके से आप थोड़ा सा हमें स्विंग के बारे में पता चलता है, नहीं क्या? थोड़ा सा स्विंग के बारे में पता चलता है कि स्विंग कैसे जा रहा है, नहीं क्या? तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने कुछ यहाँ पे एक यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे एक देख लिया, यहाँ पे एक देख लिया, यहाँ पे एक देख लिया और यहाँ पे अभी आया है। तो हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंट्री करने का टाइम अभी सही वक्त चल रहा है। क्योंकि अभी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आप ये तो देखिए, आपने स्विंग के बारे में आपने देखा, क्योंकि हम स्विंग ही के बारे में ही बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए। आप स्विंग निकाल के, आप स्विंग के हिसाब से चलिए। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे एंट्री का वक्त था, कब था? ये था वक्त 381 पे था, 80 पे था, हम 380 हम कह सकते हैं कि वक्त था। अभी परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रहा है, नहीं क्या? तो यहाँ से ये हाई हो गया, फिर यहाँ से ये लो हो गया। यहाँ पे भी एंट्री बन सकती थी 400 के ऊपर, 400 के ऊपर एंट्री बन सकती थी। अब यहाँ पे ऊपर चला गया है, अब 422 पे एंट्री, मेरे ख्याल से आप 422 पे एंट्री ना ले तो अच्छा है। और टारगेट जो होगा उसका, वो 440 का होगा, यानी 440 में आप निकल सकते हैं बाहर टारगेट, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली तो भी। मेरे ख्याल से तो लेने तो नहीं चाहिए हमें, 400 के वेट करना चाहिए, 400 का, नहीं क्या? एक यहाँ पे लोअर लो देखना चाहिए हमें, नहीं क्या? यहाँ पे अगर एक लोअर लो बनता है तो फिर हमें यहाँ पे 400 पे एंट्री बननी चाहिए, फिर हमें ऐसा लगता है कि 400 पे एंट्री लेनी चाहिए,
देखिए, अगर आपने कुछ यहाँ परफॉर्मेंस देखा, मैंने आपको बताया था कि हायर हाई और लोअर लो, ये इस बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हायर लोअर हाई था, तो यहाँ से सीधे यहाँ पे आ गया। आने के बाद थोड़ा सा इसने स्विंग यहाँ पकड़ने की कोशिश की है, यहाँ पे एंट्री ले ली, तो यहाँ पे आप एग्जिट मार सकते थे, नहीं क्या? लेकिन अब चलिए, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे एंट्री पॉइंट था 400 का, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक 400 का एंट्री पॉइंट बन रहा था। इसमें अगर आपने एंट्री ले ली होती तो भी अच्छा था, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वेट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्विंग तो देगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसा स्विंग तो देगा। तब हम जो हम बोल रहे हैं कि 400 या फिर 400 के, अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 422 के, थोड़ा सा नीचे भी आपको स्विंग का बेनिफिट मिल सकता है, या आप यहाँ पे अच्छे प्राइस आपको मिल सकती है। हाँ, टारगेट हम फिक्स रखेंगे यहाँ पे 440 के, आप एग्जिट मार सकते हैं, क्योंकि ये लो जहाँ हाई और हाई हो गया, क्योंकि 400 यहाँ पे है। तो इस तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा एंट्री आपको लेनी चाहिए 440 के, इसमें आप एग्जिट मारेंगे। जहाँ भी ये यहाँ पे टच होता है तो आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर से हो सकता है कि आपको ये नीचे आ जाए। सपोर्ट जोन उसका देखे तो ये 380 का काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। इसने यहाँ पे उसने उठा लिया स्टॉक को, यहाँ से ये उठा के चला गया, फिर से नीचे आया, फिर इसने ये 400 का लेवल पार नीचे नहीं आया, 300 का लेवल पे शो, नहीं 400 के लेवल के नीचे नहीं आया और ये ऊपर चला गया। तो इस तरीके से अभी हमें लगता है कि अभी स्विंग आपको पकड़ना चाहिए। कि स्विंग कैसे पकड़ना चाहिए, ये देखिए, ये स्विंग हो गया, नहीं क्या, ये स्विंग हो गया। इस तरीके से स्विंग को पकड़ लेना चाहिए, नहीं क्या? अगर यहाँ पे एंट्री मारी तो आपकी मिड एंट्री होगी, जैसे यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री होगी, नहीं क्या, मिड एंट्री होगी, परफेक्ट एंट्री नहीं होगी। परफेक्ट एंट्री ये थी, इसके बाद ये थी। थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है और फिर से ऊपर चला जाता है तो ये परफेक्ट एंट्री हो सकती है, 400 या 380 के करीब ये परफेक्ट एंट्री हो सकती है, लेकिन ये मिड एंट्री होनी चाहिए। ये जो अब अगर आप ये एंट्री लेते हैं 420 की एंट्री हम कह सकते हैं, अगर ये लेते हैं मिड एंट्री हो सकता है कि यहाँ से भी रिवर्सल मार जाए या फिर यहाँ से ये ऊपर और भी चला जाए, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे देखे तो इस तरीके से, नहीं क्या, यहाँ पे देख सकते, थोड़ा सा लो बना, किसी को लगा हाई और थोड़ा सा लो, थोड़ा सा लो, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला गया। अगर इसने किसने एंट्री ले लो दी यहाँ से, तो फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर, इस तरीके से स्विंग को पकड़ लेना चाहिए आपको। स्विंग अभी आप यही कह रहा है कि एंट्री थोड़ा सा आप टाइम नहीं है एंट्री का, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, स्विंग का हमें इंतजार करना पड़ता है, जैसे हमें आपको बताने की कोशिश की। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही टाइम था वो कितना था, 380 का टाइम था। अभी यहाँ भी एग्जिट मार सकते थे, यहाँ भी एग्जिट मार सकते थे, ये सही वक्त है स्विंग ट्रेडिंग को पकड़ने का, नहीं का? तो और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैसे कैसे आपको यहाँ पे स्विंग पकड़नी चाहिए, नहीं क्या? आपको यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्विंग पकड़नी चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जिट, अब यहाँ पे एंट्री होने के बाद एक देख सकते हैं, यहाँ पे एंट्री होने के बाद काफ़ी यहाँ पे एंट्री पॉइंट आ गया, यहाँ पे, नहीं क्या, यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एंट्री मारने के बाद आपको यहाँ पे एग्जिट, फिर से एंट्री पॉइंट जल्दी आ गया, फिर से जल्दी आ गया, फिर से जल्दी आ गया, जल्दी आ गया, जल्दी आ। आप इस तरीके से ट्रेड कीजिए, जैसे स्विंग को पकड़ लीजिए, ना कि शॉर्ट करने का टाइम था, ये शॉर्ट भी हम कह सकते हैं, अगर नहीं किया तो भी चलता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्योंकि अभी यहाँ पे देख सकते, थोड़ा सा जूम आउट करने के बाद आपको सही वक्त दिखाई दे रहा होगा कि हर चीज़ में यहाँ पे सिर्फ गैप मिला है यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे तो कंटिन्यू आपको यहाँ पे स्विंग मर लिया, अभी यहाँ पे स्विंग मर रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है ये स्विंग आपको थोड़ा सा दिक्कत वाला सामना कर पड़ना पड़ सकता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं स्विंग को पकड़ लीजिए, स्विंग आपको पकड़ में आया तो आप मुनाफे अच्छे खासे बना सकते हैं। तो हमारा टारगेट तो मिस हो गया है, हम यहाँ पे अभी एंट्री नहीं ले ली, जिसने एंट्री ले ली है तो काफ़ी बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, यहाँ पे भी एग्जिट मार सकते थे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे भी एग्जिट मारने में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं है। तो यहाँ पे स्विंग थी दूसरी, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें एंट्री कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली। तो यहाँ पे अभी एंट्री करने का कोई मुझे लगता नहीं कि मतलब बनेगा। हाँ, जब ये स्विंग पूरी तरीके से ऊपर जाएगा, फिर से ये स्विंग नीचे आएगा,
तब हमें यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट मिलेगा जो कि हम कह सकते हैं कि 400 या फिर 380 के इसमें बीच में आपको कहाँ मिलेगा, नहीं क्या इस तरीके से। अभी मुझे लगता है कि स्विंग यहाँ पे अभी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। कहाँ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ पे हमने एग्जिट ली, यहाँ पे मिलने के बाद हमने यहाँ पे, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक हमने वेट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने प्रॉफिट के लिए वेट किया, फिर एंट्री के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक वेट किया है ना। यानी कि हर यहाँ पे देखिए, यहाँ तो बहुत बड़ा सा अंतर मिला, नहीं क्या, एंट्री के लिए। यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद यहाँ पे एग्जिट हमने मिली, तो यहाँ पे एंट्री के लिए हमें यहाँ पर इतना देर रुकना पड़ा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा विचार यहाँ पे सोच समझ के कीजिए। एंट्री ले के लिए मेरे ख्याल से ये वही सही वक्त नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए, 400 का इंतजार कीजिए। अगर यहाँ पे आपने एंट्री ले ली 222 पे, 422 पे, तो आपको यहाँ पे एग्जिट जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से 422 से लेके 440 तक आपका जो कि टारगेट रहेगा वो मिलने के बाद आपको इसे तुरंत आपको एग्जिट मारना पड़ेगा। नहीं तो कुछ हो सकता है कि यहाँ पे वो थोड़ा सा रिवर्सल आ जाए और थोड़ा सा स्विंग दिखाने की कोशिश करे और 400 के 422 के थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो एंट्री का सही मेरे ख्याल से ये है 400 और 380, ये दो बीच के बीच में आपको कहाँ एंट्री लेने की, अच्छी एंट्री पॉइंट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।